जोधपुर राजस्थान के रहने वाले रितेश लोहिया ने 2005 से पहले अपने लाइफ में कई बिजनेसेस को ट्राई किए, लेकिन इन्हें किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी प्रीति के साथ में मिलकर प्रीति इंटरनेशनल की शुरुआत की। ये एक ऐसी कंपनी है जो स्क्रैप आइटम को यूज करके इससे होम डेकोर की चीजें और फर्नीचर जैसी कई चीजों को बनाकर मार्केट में सेल करती है। आज इनकी इस कंपनी के जोधपुर में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर 300 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, और इस कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनकी कंप्लीट स्टार्टअप स्टोरी और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सेवक और आप देख रहे हैं एडिट टॉक्स यूट्यूब चैनल। जोधपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले रितेश सर अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही अपने फादर के बिजनेस में उनकी हेल्प किया करते थे। इनके फादर का टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और केमिकल मेकिंग का बिजनेस था, जहां पर ये इनकी हेल्प किया करते थे। रितेश सर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया, और फिर 7 लाख रुपए लोन लेकर इन्होंने ग्रेनाइट कटिंग का बिजनेस शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रेनाइट कटिंग का मशीन लेके आए थे वो पहले ही दिन खराब हो गया, जिससे इन्हें 7 लाख रुपए का लॉस हुआ। इस बिजनेस में लॉस होने के बाद इन्होंने ग्रेनाइट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में बेसिकली जो बड़े बड़े होलसेलर थे उनसे ये ग्रेनाइट को क्रेडिट पे खरीद कर साउथ इंडिया में जैसे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर के व्यापारियों को ये ग्रेनाइट को सेल किया करते थे। इन व्यापारियों से टाइम पर इन्हें पेमेंट न मिलने के कारण इनका ये बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद इन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी दूसरे ही साल ये दिवालिया हो गए और इन पर कहीं FIR और कहीं केस भी हुए। इन सब बिजनेसों में लॉस होने के बाद रोहित सर ने वापस से अपने फादर के बिजनेस को संभालना शुरू किया। यहाँ पर लगभग 5 साल तक काम करने के बाद इन्होंने अपने सारे लॉस को रिकवर किया। प्रीति इंटरनेशनल की शुरुआत तब हुई जब रितेश सर अपने फादर की केमिकल मेकिंग कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन इनकी वाइफ प्रीति और इनकी नजर वहाँ पर पड़े केमिकल के पुराने कंटेनरों पर पड़ी, और तभी इनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों नहीं इन कंटेनरों को रीयूज करके इससे कुछ जुगाड़ू फर्नीचर तैयार किया जाए। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, और इन स्क्रैप में पड़े कंटेनरों से टेबल, किचन हंच, सोफे और कुर्सियां जैसे कई सैंपलों को बनाकर इन्होंने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। इनके इस ब्लॉग को देखकर अमेरिका के रहने वाले लॉरेंस ने इन्हें फर्स्ट में 25 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इनके पास इतना बजट नहीं था, तो इन्होंने लॉरेंस से बात करके 60% जो इनका एडवांस पेमेंट था वो लिया, और फिर इन्होंने इस ऑर्डर को पूरा किया, और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके इस बिजनेस को बूस्ट तब मिला जब इन्होंने 2008 में दिल्ली में चल रहे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। यहाँ से इनका बिजनेस न केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी कई देशों में ग्रोथ होने लगा। आज दोस्तों, इनकी बिजनेस की जोधपुर में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे 300 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। 2017-18 में प्रीति इंटरनेशनल कंपनी NEC लिस्टेड कंपनी बनी, जिसका पिछले साल का टर्नओवर लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो दोस्तों, ये सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टोरी थी रितेश सर और उनके स्टार्टअप प्रीति इंटरनेशनल की। किस तरीके से अपने पहले 3 या 4 बिजनेसों में लॉस होने के बाद भी इन्होंने बिजनेस करना नहीं छोड़ा और अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, और आज अपने इस बिजनेस से न केवल ये खुद एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं लेकिन कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप से रिलेटेड स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।